हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर कैसे आप किसी भी फोटो का फेस एंड हेयर जो है वो ऑयल पेंट इफेक्ट डाल सकते हो, वो भी सिंपल सा कुछ क्लिक्स के अंदर, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। और यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप परफेक्टली, बहुत सारे भाइयों ने तो ये स्टेप्स फॉलो भी किया लेकिन परफेक्टली कैसे कर पाओगे, वो चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे ले जाके आपको सारे कुछ चीजें क्लियरली बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा। तो चलिए मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पे आप लोगों को सारे कुछ चीजें दिखा देता हूं। तो देख सकते हो मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले जो फोटो को आप यहाँ पे स्मार्ट टाइप का पेंटिंग करना चाहते हो और उसके साथ साथ जो ऑयल पेंट वाला इफेक्ट डालना चाहते हो, तो वो फोटो को सबसे पहले ओपन कर लेना है। अभी फोटो देखिए मेरे को कुछ इसी प्रकार से मिल रहे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो फोटो है, चाहो तो आप नॉर्मली यहाँ से स्क्रीन का सबसे पहले रिटच कर सकते हो। मैं यहाँ पे सोचिए सबसे पहले कंट्रोल जे दबाते हो डुप्लीकेट लिया लूंगा, या चाहो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर एक बन जाएगा। अभी देखो डुप्लीकेट लेयर बन जाने के बाद आपको जाना होगा फिल्टर के ऊपर, और यहाँ से फिल्टर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्लार पे जाके गॉसन ब्लार एक ऐड कर लेना जिसका अमाउंट होगा 3-5 के आसपास, और डाल के आप ब्लार यहाँ पे स्क्रीन रिटचिंग कर सकते हो। या चाहो तो और एक मेथड आपको बता दूँ, फिल्टर पे जाना, अगर आपके पास अगर स्क्रीन फाइनर हो तो वहाँ से आप अगर हायर वर्सन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीन फाइनर ऐड कर देना। मैं यहाँ पे स्क्रीन फाइनर ऐड नहीं करने वाला हूँ, सिंपली मैं फिल्टर पे जाऊँगा, ब्लार पे जाऊंगा, गॉसन ब्लार ऐड करूंगा जिसका अमाउंट होगा 3 के आसपास और ओके किया। अभी इसके ऊपर एक मास्क लेना है ये लेयर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ब्लार ऐड किया। अभी कंट्रोल आई दबाते हुए ये मास्क को इन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी देखिए मास्क का कलर मेरा यहाँ पे ब्लैक है, मैं यूज करूंगा फोरग्राउंड कलर व्हाइट एंड ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा, और अभी जूम करके धीरे धीरे करके वीडियो का जो यहाँ ब्रश का साइज छोटा करके धीरे धीरे करके इस तरह से आपको ब्रश कर लेना है जहां जहां पे आपका स्किन होगा, और उसके बाद देख पाओगे कितना स्मूथ टाइप का आपका यहाँ पे स्किन लग रही है। पहले इस तरह से स्मूथनेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस करने के बाद ही आप जो जो स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं वो सारे को अप्लाई करना, तभी मेरा यहाँ पे परफेक्ट सा आउटपुट आपको निकालेगा। तो चलिए आपको सारे कुछ चीज़ें क्लियरली दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पे और भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कुछ स्किन रिटचिंग यहाँ पे कुछ कर लिया, यहाँ से देख ही सकते हो फेस के ऊपर नॉर्मली आपको ज़्यादा स्किन रिटचिंग चाहिए होगा, जैसे मेरा यहाँ पे कर लिया। अभी जब इस तरह से स्किन रिटच कर लोगे तब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का और एक कॉपी बना लेना है, तो राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर और एक बना लिया। अभी ये जो बैकग्राउंड कॉपी एंड बैकग्राउंड कॉपी टू, इन दोनों को मर्ज करना होगा, तो कंट्रोल ई दबाते हुए ऊपर लेयर को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, देखो मर्ज हो गया। अभी ओनली स्किन रिटच किया, ये जो लेयर है स्किन रिटच कर लिया। अभी इस जो रिटचेस वाला लेयर है यही लेयर के ऊपर काम है, तो क्या काम होगा, इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर हाई पास ऐड करना है। तो कंट्रोल जे दबाते हुए एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा, और बना लेने के बाद आपको जाना होगा फिल्टर के ऊपर, अदर्स पे यहाँ पे हाई पास ले लेना है, और हाई पास का अमाउंट 2 के आसपास डालना, और एक बार फोटो को देख लेना, जैसे मेरा यहाँ पे मिल रहा है आपको इस तरह से मिलना चाहिए, आप कर देना ओके। और ओके कर देने के बाद यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड कर लीजिएगा विविड लाइट, और विविड लाइट करने के बाद देखिए फोटो थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगेगा जो मेरे को चाहिए अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑयल पेंट वाला इफेक्ट डालने वाला हूँ, तो मेरे को कुछ इस तरह से आउटपुट मिल गया है। अभी अब अगेन आपको कंट्रोल ई दबाते हुए इसको मार्च डाउन कर लेना है, जैसे मेरा इस लेयर पे कर दिया। अभी आपको करना क्या होगा, अभी ये जो लेयर है देखिए इसका स्किन भी रिटचेस है और पूरा पूरा शार्प भी है फोटो। अगर आप फोटोशॉप का हायर वर्सन यूज कर रहे हो तो कैमरा रॉ फिल्टर पे जाके वहां से शार्प कर लेना, टेक्सचर को ऐड कर देना या क्लियरिटी को इंक्रीज करके देख लेना, जैसे इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अब इसके बाद अगेन इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा, कंट्रोल जे दबाते हुए या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना। अभी ये जो लेयर है इसके ऊपर ऐड करूंगा ग्रे स्टोरेशन, सिंपली आपको ग्रे स्टोरेशन वाला जो फिल्टर है यही आपको अप्लाई करना है। तो मैं जाऊंगा फिल्टर के ऊपर नॉइज और यहाँ पे ग्रे स्टोरेशन, सिंपली इसके ऊपर डालने के बाद आप अमाउंट्स वगैरह देख लीजिएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसको ड्रैग करके आपको एक बार देख लेना, ये जो यहाँ पे देख सकते हो जियोमेट्री रेगुलरिटी है,
इसको 10 के आसपास किस तरह का आ रही है देख सकते हो, 3 से 10 के आसपास आप एक एक करके डाल के देख लेना, जो आपका सबसे बेस्ट लग रही है उसको आपको देखे आपको सिंपली यहाँ से ओके कर लेना है। और ओके कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको वेट कर लेना है, जितना टाइम यहाँ पे रिमूविंग नॉइज लिखा आएगा आपको, जब तक यहाँ पे रिमूविंग नॉइज का प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट ना हो जाए आपको यहाँ पे उतना टाइम वेट कर लेना है। अभी देखो अभी यहाँ से थोड़ी सी स्मार्ट टाइप का यहाँ से हो चुकी है, जब आपका यहाँ से स्मार्ट टाइप का इस तरह से हो जाएगा ये आप अप्लाई कर सकते हो बालों के ऊपर। तो इसके लिए इसका ऊपर एक मास्क लेना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ से एक मास्क ले लेता हूँ। सिंपली मास्क लिया और इसी मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर सकते हो, या चाहो तो एक काम कर सकते हो ये मास्क को ओनली आप जहाँ जहाँ पे नीडेड नहीं है वहाँ से हटा देना, जैसे कि मैं फॉरग्राउंड कलर ब्लैक किया, ब्रश का साइज थोड़ी सी कुछ इसी प्रकार से कर लिया जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख ही सकते हो ब्रश का साइज छोटा किया थोड़ी सी, और जिस जिस जगह पे मेरे को ब्रश चाहिए नहीं है जैसे कि मेरे यहाँ पे देख सकते हो इस साइड पे थोड़ी सी मेरे चश्मा जो था इस फोटो का वो थोड़ी सी ख़राब हो गया था उसको रिटर्न लाया, फेस का कुछ इस पार्ट जो है वो मेरे को थोड़ी सी रिटर्न लाना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, या आप चाहो तो नॉर्मली भी रख सकते हो बाद में आप ब्रश कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अपने मुताबिक ही यहाँ पे ब्रशेस वगैरह करना सारे कुछ, तभी परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अभी देखो किस तरह का लग रही है, अभी बैकग्राउंड जो कॉपी है इसका एक डुप्लीकेट लेकर अगेन बना लीजिएगा। अभी फिल्टर पे जाना, ब्लर पे जाना, यहाँ से गॉसन ब्लर कर लेना और गॉसन ब्लर का अमाउंट अगेन 3 के आसपास डाल के ओके कर देना। अभी इसके ऊपर अगेन एक लेना पड़ेगा मास्क, कंट्रोल आई दबाते मास्क को इन्वर्ट कीजिए और धीरे धीरे करके आप फोरग्राउंड कलर व्हाइट करके धीरे धीरे करके जितना तक आपको ब्लर चाहिए उतना आप धीरे धीरे करके कर लेना, जैसे कि मैं ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटा किया और धीरे धीरे करके जितना मेरे को ब्लर चाहिए मैं उतना तक इस तरह से अप्लाई कर लूँगा। अभी दूर से देखो फोटो किस तरह का लग रही है, परफेक्ट ऑयल पेंटिंग जैसा, यहाँ पे बाल भी ऐड हो चुकी है, स्किन भी ऐड हो चुकी है। तो आप इसी तरह से आप आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से स्किन का रिटाचिंग कर सकते हो और यहाँ पे परफेक्टली यहाँ से जो ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट है वो भी डाल सकते हो, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखो मेरा जब इस तरह से आपका हो जाएगा तभी और भी कलर टोन्स वगैरह चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि स्किन के ऊपर देखो कलर टोन उतना परफेक्ट नहीं है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एडजस्टमेंट आइकन पे, चलिए सबसे ऊपर लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा एडजस्टमेंट आइकन पे, यहाँ से ले लूँगा सिलेक्टिव कलर, यहाँ से सिलेक्टिव कलर का जो रेड होगा उसका ब्लैक को लिटिल बिट आपको डिक्रीज करना है नियर अबाउट मेरे यहाँ पे 75 के आसपास, और यहाँ से रेड से जाइए येलो के ऊपर और येलो का भी यहाँ इस तरह से 75-62 के आसपास इस तरह से डिक्रीज कर देना इसका जो ब्लैक होगा, और उसके बाद ओके करना। अभी देखो ये बहुत सारी जगह पे ये अप्लाई हो गया है, अगर लेयर को ऑन ऑफ करके दिखाऊं ओनली ये स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको इसको एनेबल करना है और इसका जो ये जो ब्लैंक सा लेयर का जगह है ना इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपको इस तरह से लेयर स्टाइल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपली अंडरलाइन लेयर को चूज करना होगा, ऑल्ट दबाते हुए राइट साइड वाला एरो को कुछ इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ आपको नियर अबाउट इस तरह से 130 के आसपास आपको राइट साइड पे ड्रैग कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अभी देखो फोटो कुछ इस तरह से लग रही है, लेकिन ये बाहर वाले कुछ जगह पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कीजिए और फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट रहना चाहिए जिस तरह से मेरा ये फोटो पे है, और आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करके धीरे धीरे करके स्किन के ऊपर ब्रश कर देना है जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप स्किन फाइनर टूल का भी यूज कर सकते हो इस तरह से कलर टोन चेंज करने के लिए स्किन का, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली फोटोशॉप के मदद से ये सारे कुछ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा टाइम देके देके कर लेना, जैसे मेरा यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुकी है। तो इतना हो जाने के बाद थोड़ी सी अगर रेडी स्टोन वगैरह चाहिए या आपको थोड़ी सी कलर टोन चेंज करना हो तो कलर बैलेंस पे चली जाना, हाइलाइट्स पे चली जाके यहाँ पे ब्लू जो है हाइलाइट्स का 20 के आसपास इंक्रीज कर देना, इसका जो मैजेंटा होगा -5 के आसपास, और यहाँ से जो इसका क्यान होगा नियर अबाउट -10 के आसपास, यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी फोटो देखिए कितना बढ़िया लग रही है, अगर सारे को अगर ग्रुप बना के आप लोगों को दिखाऊं किस तरह का चेंजेस आया है सारे कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सब कुछ मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ सबसे पहले, और ग्रुप बना के आपको सारे लेयर दिखा देता हूँ। पहले फोटो था मेरा कुछ इस तरह का और यहाँ पे सारे कुछ करने के बाद मेरे को कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रहा है, तो आप लोगों को आंखों के सामने दिख रहा होगा किस तरह का एडिटिंग यहाँ पे हो पाया है। तो आप भी इस तरह से जो ग्रेस्टोरेशन वाला फिल्टर है इसकी मदद से आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो, मेरा वेबसाइट विजिट कर लेना वहाँ पे आपको ग्रेस्टोरेशन फिल्टर मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लेना, सारे कुछ गाइड वहाँ पे दिया हुआ है, या चाहो तो मेरे तो इस सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो वहां पे भी दिया हुआ है, तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ग्रेस्टोरेशन का, वहां पे विजिट करके उसको डाउनलोड कर लेना। तो आज का टॉपिक आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा, अगर ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगता है, ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल होती है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं नए को एक एडिटिंग के साथ, नए को एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।